मरूंगा बतला दे ये रुपए देकर के आशीर्वादित कर रहे हैं, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हमारे, क्योंकि भाई संतराज जी कह रहे हैं कि मामा भी लगते हैं, हम उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। रागनी तो समझ में आ रही है जी, किस किस की समझ में आ रही है, एक बार हाथ उठा करके बताना। अच्छा, कुछ की समझ से परे चल रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी समझ में नहीं आ रही वो भी समझने की कोशिश करे। भाई मेरे पैरों का हाथ ना लगाए मेरे भाई, कैसे बना चटा गया करण, तीन कदम तीन लोग
पीछे हट जाने का मतलब आज तीन लोग के अंदर तेरा भी और तेरे साथ में हमारा भी मान सम्मान कम कर दिया है। लेकिन महाराज मेरी समझ से बाहर है, आखिर इस करण ने रणभूमि के अंदर कर क्या दिया? अच्छा मैं बताता हूँ, कहिए। बताते हैं अर्जुन, तू 100 कर्णों से लड़ने की बात कर रहा था तो देख हनुमान जी रथ की बुर्जी के ऊपर बैठे तेरी रक्षा कर रहे हैं। शेष नाग रथ के पहियों को युद्ध भूमि के अंदर जमीन में जकड़े हुए हैं और मुख खोल करके दिखा दिया, देख तीनों लोग पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाया है, मेरी माया से यह संसार रचा है। ये त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी भी तेरे रथ पर बीच में सारथी बना बैठा है। जब हनुमान जी शेष नाग और कृष्ण जी के होते हुए भी तेरे रथ को कर्ण बलि ने अपने बाण की शक्ति से तीन कदम पीछे हटा दिया, तो समझ कि अगर इन देवी देवताओं ने, हनुमान जी ने, शेष नाग ने और कृष्ण जी ने तेरे रथ का साथ छोड़ दिया और उधर से कर्ण बलि का बाण चल गया तो तेरी क्या दशा होगी? महाराज जी, मेरी अहंकार की जो पट्टी आंखों को बंधी हुई थी वो अहंकार दूर हो गया, संशय भरम सब कुछ मिट गया। अब तो केवल इस रणभूमि में किसी भी युग की विधि से आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए और हमें जीत का सूत्र बताइए महाराज। जीत का सूत्र, जीत का मार्ग जानना चाहते हो तो श्री कृष्ण जी महाराज जी ने अर्जुन को भी, हमको भी और आपको भी जीत का मार्ग बताया। जीत तो होती है, लेकिन जीत कब होती है, जीत कैसे होती है, चौथी कली में सुनेंगे। सुदेश, सुदेश मेघराज का समधी, वो 5100 रुपए दे रहे हैं। वह हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। भाई एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। सुदेश जो मेघराज जी के समधी हैं, उन्होंने 5100 रुपए देकर के कलाकारों का सम्मान बढ़ाया है। मुझे बता रहे ये लिख के इनके पास में, इनको पता कर लो, इन्होंने यही बताया मुझे। सुभाष है नहीं, मुझे बताओ, मुझे लिखवाओ भाई साहब, मैं मेरी बात सुनिए। उन्होंने मुझे जो बताया है मैंने उस हिसाब से बोल दिया।
भाई साहब यार तुम खुद भी लिख सको, उन्हें नशा हो रहा तुम अपनी पता नहीं है, बताओ ये बात कर रहे हो। एक भी नाम जिसका जिनके यहाँ पे घर पे प्रोग्राम हो रहा है उन्हीं का नाम अगर आउट बोलोगे गलत बोलोगे तो गलत तुम ऐसे जाएगा ही। भाई साहब कोई बात नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी लिखे सही लिखे ढंग से लिखे, किसी का नाम गलत अनाउंस हो जाए गलत बोल जाए यार रिश्तेदार बुरा माने ऐसा ना करें। भाई साहब ऋषिपाल जी आप जिम्मेदारी, भैया कोई दिक्कत नहीं है किसी और से, क्योंकि साउंड चल रहा है नाम सुनने में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। बार बार धन्यवाद। चलिए चिंता ने